उज्जैन जिले में डीजे बजाने के नाम पर मुंह मांगे और ज्यादा कीमत लेने वाले लोगों ने डीजे बजाने का व्यापार व्यवसाय शुरू कर रखा है। कई डीजे वाहन ऐसे भी हैं जो रिजेक्ट हो चुके हैं और वर्षों पुराने हैं। आरटीओ विभाग में इनके ना तो नंबर दर्ज है और ना ही रिकॉर्ड दर्ज है कि यह वाहन किसके हैं और यह वाहन मालिक कौन है। ऐसे कई रिजेक्ट वाहन डीजे वाहन के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। इन वाहनों की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाती है और विवाद की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अच्छा, ये जो मुख्य रोड पर डीजे वाहन खड़ा हुआ, कब से खड़ा हुआ है? ये रात भर से खड़ा था, ये कल रात को निकली थी ना जो। अब यहाँ तो आने जाने वाले लोग सारे परेशान हो रहे होंगे, बहुत दिक्कत है। परेशान हो रहा था, देखो ना कितना जाम लगा रात भर से। अच्छा, आधा घंटा लग गया मुझे यहाँ तक आने में। छतरी चौक से आ रहा हूँ सर। छतरी चौक से ये प्रमुख जो रोड है, क्या नाम से जाना जाता है? गोपाल मंदिर। तो ये प्रमुख रोड है और ये डीजे वाहन कब से खड़ा हुआ है यहाँ पर? रात भर से खड़ा हुआ है। तो ये तो बहुत दिक्कत आ रही है आने जाने में, एक घंटा लग गया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।